हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति अपने यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह को मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, ये देखिए 1.5 मीटर कपड़ा है, इसको हमने 4 फोल्ड किया है और इसके बाद ओपन साइड हमारे सामने है, बंद साइड हमारी तरफ है और इस तरह से ये टॉप है जिसके माप का हम टॉप बनाएंगे। बस इससे हम लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे फ्रेंड और इस तरह से इसको सीधा करके और एकदम 20 सेंटर में इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो आप इस तरह से अगर टॉप बनाएंगे तो आप किसी भी साइज़ का टॉप बना सकते हैं। और ये हम चौक की मदद से कपड़े को सीधा कर देंगे और इसी लाइन पे इस तरह से हम टॉप को बराबर रखते हुए और ओपन साइड हम जस्ट उसके सामने रखेंगे। और फ्रेंड, सबसे पहले हम आर्म होल की ये निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आप आस्तीन को दबा लीजिए और जिस गुलाई में ये है उसी गुलाई में इसका निशान लगाइएगा। और इसके बाद इसमें ये आपका फ्रिल वाला आस्तीन था तो लेकिन कटिंग सेम ही होती है। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके और अपनी उंगली की मदद से घुमाते हुए जैसे गोल शेप में इसका शेप है बस उसी शेप में हम इसकी गुलाई दे देंगे। और इधर कमर का भी शेप हम इसी तरह से देंगे जैसे हमने इसको ये टॉप मारा है, हमें बनाना सेम ऐसा है। आप थंबनेल देखा ही होगा, जैसे आपने थंबनेल देखा था सेम उसी तरह से हम उसी पैटर्न का टॉप बनाएंगे। और इस तरह से हमने 1.5 से 2 से 2.5 इंच आपको लंबाई और रखनी तो आप और बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से ये निशान लग के हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड। अब हम यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ से गुलाई देंगे क्योंकि वो सिला हुआ टॉप था, ऐसे हमें सिलना है। और ये जो बाहर से निशान दे रहे हैं हम कटिंग भी इसी पे करेंगे और 1.5 इंच जितना हम इसको बढ़ा देंगे मार्जिन के लिए, एक्स्ट्रा कपड़ा के लिए। और इस तरह से हम इसकी गुलाई दे देंगे फ्रेंड। और तो आप इस तरह से अगर टॉप की कटिंग करेंगे तो आपका टॉप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से बनेगा। और इस तरह से हम गुलाई देख के ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और 1 इंच हम यहाँ से और लंबाई लेंगे जो सिलने के बाद हमारा लंबाई एकदम कंप्लीट उतना ही आया फ्रेंड। और तो निशान लग के कंप्लीट हुआ। अब हम इसको ये हमने जो फिटिंग का निशान लगाएंगे वो है, तो इस तरह से इसको हम डार्क करके आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। और इसके बाद गले के जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे फ्रेंड। तो 3 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। और इसके बाद इसका डीप नेक हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ जो है कि 4 इंच या 3.5 इंच रख सकते हैं आपको, जो अगर 4 इंच तक रख सकते हैं लेकिन हमने 3.5 इंच पर रखा है। और इस तरह से फ्रंट और बैक के दोनों की गुलाई हम इस तरह से दे देंगे फ्रेंड। और इसके बाद अब हमारा निशान लग के कम्प्लीट हुआ और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो टॉप बनाना बहुत ईजी है फ्रेंड, बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और हमारी कटिंग आपको कितनी समझ में आती है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये आपका टॉप किस तरह से बना है आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी कटिंग होकर कंप्लीट हो गई फ्रेंड। अब हम आपको गले की कटिंग करेंगे और यहाँ गले की पट्टी कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये टॉप बनाना बहुत ईजी है फ्रेंड और बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें हम 5 इंच के नीचे फ्रिल भी रखेंगे तो ये टॉप थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। तो ये हम 16 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं और आप जिस साइज़ का चाहे तो आप बना सकते हैं। यहाँ 4 इंच पे हम एक कट लगा देंगे, ये हमारा पीछे की बटन पट्टी होगी। तो आप अगर बटन पट्टी नहीं देना चाहते हैं तो गले को थोड़ा सा और डीप कर दीजिएगा। और यहाँ से हम जो है जो आगे का गला है वहाँ से हम गले की पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने डबल कपड़ा नीचे रखा है फोल्ड करके और सेम अपने जैसे गोल गले की कटिंग की है उसको रख के और बाहर से हम 1.5 इंच जितना कपड़े है को बाहर से इसकी गुलाई दे के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गला पट्टी आपको हमने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि गला पट्टी इजिली हम बिना कैनवास के भी और ऑरियल पट्टी से भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से गले की कटिंग कर सकते हैं और गले की पट्टी भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा गला कट के कपड़े, गला बहुत बड़ा नहीं है, छोटा गला है। तो ये देखिए गला और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और नीचे फ्रिल के लिए हमारा कपड़ा कट के कंप्लीट हुआ फ्रेंड। तो इस तरह से ये हमारा फ्रिल का कपड़ा है जो हमने 5 इंच लिया है इसकी चौड़ाई। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है, इसको हम अलग करेंगे। और इसके बाद हम आपके फ्रंट पार्ट की गले की पट्टी कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमने हमारे पास इसमें का कपड़ा नहीं था तो हम इसमें वाइट कलर का दूसरा कपड़ा यूज़ करेंगे। और इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को भी 20 सेंटर से उसी तरह से फोल्ड कर और सेम हमने जैसे गोल गले की पट्टी निकाली थी उसी तरह से इसको भी निकाल लें। ये जहाँ हमने कट लगाया वहाँ निशान लगा लें, उससे 1.5 इंच नीचे तक भी निशान लगा लेंगे। और इस तरह से हम इसके बाहर से 1 इंच जितना गुलाई दे देंगे, ये हमारा सेंटर का जो कट है वो है।
तो फ्रेंड ये बहुत इजी है गले की पट्टी निकालना। आप इस तरह से गले की पट्टी भी निकाल सकते हैं और बिना बुकरम के, और ये आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ से गोल गले की कटिंग करेंगे जो हमारा गोल गला है, और इसके बाद हम यहाँ बाहर से 1.5 इंच पे जो हमने कटिंग की थी, जो इसमें बटन पट्टी भी साथ में इसमें भी कपड़ा लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है फ्रेंड, और यहाँ 20 से हम इसको कट कर देंगे। इसको कट हम उतना ही करेंगे जितना हमने 4 इंच तक उसमें कट लगाया है। तो आप इस तरह से निशान लगा के या नाप के जो भी आपको जैसा भी आपको बनाने बने आप उस तरह से इस पर निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसको ओपन करके हम सेम इसके ऊपर इस तरह से रख के, और इसके बाद हम इस पर मशीन चला के उसको कैसे स्टिच करते हैं वो आपको दिखाते हैं फ्रेंड।